रखा है प्यार मोहब्बत करके रोने में, असली मज़ा तो है खा पी कर सोने में। नमस्ते इंडिया। सो वीकेंड पे हम बोर हो गए थे तो आज आउटिंग के लिए आया, मोटा गया कॉफ़ी लेते हैं। वैसे तो हम दोनों ही मोटे हो रहे हैं बट वो कुछ ज़्यादा ही फैलता जा रहा है तो अभी वो आता ही होगा। ओहो कैमरे के आगे कर ली मेरी बुराई, जैसे खुद तो बहुत पतली है, खुद भी तो फैलती जा रही है तो मेरे को मोटा कर रही है। और एक बात हो रहा है, जिसके खुद के घर शीशों के होते हैं ना, दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। पत्थर नहीं, मैंने तो तोड़ रहा फेंका था। बाकी इसे मोटापा नहीं, हेल्दी कहते हैं। हाँ हाँ, डिक्शनरी में कभी भी अपने वर्ड चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। अब कम ऑन यार, अगर तो मतलब मोटापे को तो हेल्दी गएगी तो यार यार ये दिस इज नॉट। इतनी भी मोटी नहीं हो, तुझसे तो पतली हूँ मैं। हाँ हाँ, हम कॉर्पोरेट वालों को तो मत समझो, एटलीस्ट कॉर्पोरेट वाले तभी मोटा है। तो एक्चुअली क्या है ना, पहले जो मोटे होते थे ना सरकारी डिपार्टमेंट में होते थे, पहले ज़्यादा खाते थे, मोटा पेट होता था। अब क्या ये मोटापा ना धीरे धीरे कॉरपोरेट वालों की तरफ आता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग तो है नहीं। तो इस वजह से मतलब टाइम की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हम मोटे होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। एक मतलब एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय जो होता है वो 60% डे अपना ऑफिस में ही स्पेंड करता है, और ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग्स ये काफ़ी दिक्कत आ रही है मोटापे की, है ना। हाँ यार, दिक्कत तो आ रही है। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब सारा दिन काम करते रहते हैं तो अपनी जो हेल्थी डाइट है उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते कि मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब किस टाइम क्या हेल्थी चीज़ है, कौन सी हमारे लिए न्यूट्रिशियस डाइट है। तो वो जो प्रॉपर न्यूट्रिशियस है ना, जो मल्टी विटामिन्स है, उनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते जनरली, तो ये दिक्कतें हैं। वैसे तो स्कूल में भी मल्टीपल ब्रेक्स होती हैं, इवनिंग स्नैक टाइम भी होने लग गया है, तो तुम लोगों का भी ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि इवनिंग स्नैक टाइम हो रहा है, सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि होना चाहिए, बात यह कि होता है। मतलब तो जनरली देखेगी ना, किसी भी कॉरपोरेट में चली जा, किसी भी ऑफिस में चली जा, या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चली जा, वहाँ पे मतलब मॉर्निंग ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसके बाद भाई अपना ये इवनिंग स्नैक्स ब्रेक भी होता है। बट मतलब उस टाइम पे हम खाएं उसकी वजह मतलब हमें नहीं खाने दिया जाता। तो क्या होता है कि जो हमारे बॉसेज होते हैं और जो मीटिंग्स होती हैं वो हमारे उस टाइम को ही खा जाती हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वैसे ये यहाँ की दिक्कत नहीं है, अगर मैं बात करूँ यूएस की तो वहाँ पे भी मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली, जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो ओबीज। कभी कभी कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो जो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन है यूएस की वो ओबीज है, और अगर अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे अमेरिका यूएस को ही बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ये पढ़ के आइए, देख लो। कंफ्यूज हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो 26 मिलियन पीपल्स के अप्रॉक्स जो है प्री डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। आप कहाँ पढ़ गए? तो नहीं है, एक फोर्ब्स पे आर्टिकल आया हुआ था। तो हर जगह एक्चुअली क्या है ना, जब ऐसे ऐसे आर्टिकल पढ़े ना, मैं तेरे को एक चीज़ बोलता हूँ कि हर एक कंट्री का पढ़ा कर। तूने स्पेसिफिकली यूएसए का पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लिया, तो उसमें मेंशन ही। हाँ चल ठीक है, मतलब उसमें शायद फिर तूने क्या, क्योंकि मतलब कोई रीज़न था क्या ये सब पढ़ने का? नहीं, ऐसे जनरली आर्टिकल आया, मैंने पढ़ लिया सामने कि हाँ ये बात तो फैक्ट है कि कॉर्पोरेट वाले अनहेल्दी होते हैं। हाँ ये फैक्ट है, कॉर्पोरेट वाले अनहेल्दी होते हैं, स्पेशली इंडिया में भी देखेंगे ना, मतलब बहुत तेरे को मिलेंगे जो अनहेल्दी हैं। लेकिन कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे मैं भी खुद 2-2.5 साल जापान था ना, तो वहाँ पर ऐसा सीनैरियो नहीं है, वहाँ जो लोग हैं दे आर मोर मतलब कॉन्शियस टुवर्ड देयर हेल्थ, ठीक है, वो अपना टाइम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। इवन दो और तो छोड़ो, लंच जो होता था हमारा, तो लंच में भी ना हमें ऑप्शन मिलते थे कि मतलब देर आर 4 कैटेगरीज बेसिकली डिवाइडेड, दिस जनरल आई एम सेइंग, कहाँ पे 2 हैं कहीं पे 3 है, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कितनी है वहाँ पे। तो जस्ट मैं लंच के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को 4 ऑप्शन मिलते थे, विच ऑप्शन यू वॉन्ट टू टेक, जैसे कहीं वेज है, कहीं नॉन वेज है, कहीं फिश करी है, तो उसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो जब हम ओप करते थे ना कि जैसे मैं वेज लेने वाला हूँ, तो उसमें आगे फ्रंट में लिखा होता है अगर आप वेज ले रहे हो तो इतनी कैलरीज यू विल टेक, ठीक है, वो इनटेक कैलरीज भी वहाँ पे मेंशन की जाती है। तो इतना ज़्यादा प्रिसाइजली वो अपनी हेल्थ के ऊपर कंट्रोल करते हैं और उसको क्लोजली चेक करते हैं। बट इंडिया में सिनेरियो क्या है ना कि आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ और मतलब टीम एक्टिविटीज़ पर वर्क करती है कॉर्पोरेट, न्यूट्रिशियस और न्यूट्रिशियस डाइट, हेल्थ, इन सब के ऊपर मतलब कॉर्पोरेट वर्क नहीं करती है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन? इसका सॉल्यूशन तो देख, WHO के अकॉर्डिंग क्या है ना, अगर आप अगर WHO का क्या कहता है, अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को न्यूट्रिशियस डाइट देंगे तो 20% नेशनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो
सिंपल है, आपकी जो कॉर्पोरेटी कैंटीन्स है हर जगह पे आप ना हेल्दी डाइट प्रोवाइड करो और ये कैफीन वगैरह और ये सब ऑप्शंस को ऑलमोस्ट बंद कर दो, धीरे धीरे बंद कर दो या फिर अगर वो कंपनी वाले ना ऐसे वो करने लगे ना हेल्दी डाइट देने लगे तो बाकी ये कैफीन कुफीन का तो पता नहीं बंद होंगी कि नहीं, बट कंपनियां जरूर बंद हो जाएंगी। नहीं, अगर हेल्दी डाइट देंगे तो देखिए एज एन इंडिविजुअल भी और एज एन कंपनी भी दोनों को ही बेनिफिट होगा। अच्छा, इंडिविजुअल और कंपनी कैसे बेनिफिट होगा? देख एज एन इंडिविजुअल कंपनी का तो नुकसान नहीं हो गया, मतलब पैसे जा रहे हैं इतने वेस्ट हो रहे हैं, मान ले हेल्दी। अब जैसे सेब है, सेब भी महंगे हैं, संतरे महंगे, हर चीज महंगी ना, हेल्थी चीजें तो महंगी है। वो करनी पड़ेगी ना, कैसे मैनेज करनी है कि वो कम उसमें प्राइस में कैसे एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर तुम लोगों के मतलब हेल्दी डाइट मिलेगी, तुम ऑल डे एक्टिव रहोगे, ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करेगा, अगर प्रॉपर विटामिन जाएंगे बॉडी में। जनरली क्या होता है, लंच करके इतनी मस्त नींद आती है तो वो पावर नैप्स वगैरह कर देते हैं, तो एक एम्प्लॉय की हेल्थ जो है वो फिट रहेगी और इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो दोनों को बेनिफिट। दूसरा जो है कि जो तुम्हारा हेल्थ केयर कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो वो ना मतलब 75% जो है वो क्रोनिक डिजीज पर स्पेंड होता है। और क्रोनिक डिजीज क्यों होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायबिटीज क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल। ये तो है कि ये सारी चीजें ना लाइफ स्टाइल इशूज है। हाँ, लाइक मतलब आप पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हो, उसके बाद आप मतलब अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, सिगरेट्स ज़्यादा है, जनरली एम्प्लॉयज में देखोगे आप सिगरेट्स का बहुत कॉमन ट्रेंड है। एक्चुअली एक ये भी है ना कि मतलब अगर आप मतलब हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हो ना तो आपका जो सिगरेट कंजप्शन है और ये फिर जो अल्कोहल कंजप्शन कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि हेल्दी डाइट से भी मतलब जो स्ट्रेस के जो वो होता है ना लेवल वो भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होगा, इजीली डील कर सकते हो। और मुझे जो लगता है, देख जब हम इंटेंशनली खाते हैं, जैसे हमने भी रिसेंटली सोचा था कि हम पतले होने के लिए खाएंगे, तो हमने चार्ट बनाया, प्रॉपर डाइट प्लान की, तो उसमें हमें बहुत टाइम लगा सोचने में कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और फिर उसको बनाना कैसे है, कम ऑयल में कैसे बनाना है, और जैसे हम नॉर्थ इंडियन है तो हमें मक्खन, लस्सी, घी, ये सब कैसे अवॉइड करना है, तो इसे सोचने में बहुत टाइम लगा। तो अगर एम्प्लॉय को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट आप कॉर्पोरेट में ही प्रोवाइड करेंगे तो ये जो टाइम है वो कहीं और यूटिलाइज हो जाएगा। पता क्या है, एक तो सारा दिन की मीटिंग, ऊपर से बॉस की चिक चिक, लोगों की भड़क, इससे क्या होता है सारा दिन आदमी के ना सोचने के लिए दिमाग में बसता नहीं। शाम को जब वो ऑफिस से निकलता है ना, अगर उसे कहीं समोसे का ठेला दिखा और कुछ देखा, बस ये होता है भाई पेट में डाल ले, बहुत भूख लगी हुई है, मतलब इतना सोचने के लिए टाइम नहीं लगता कि भाई हेल्दी खाऊं अनहेल्दी खाऊं, जब भूख लगती है ना यार बस खा ले। हाँ, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर, हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो एक तो ये नहीं पता कहाँ पे क्या मिलेगा, ये चीज है। हाँ, तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन बता सकते थे। आज ये देखो पहली बात है, मेरे को पता नहीं चर्चा का टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक मैं कॉफी लेने गया हूँ, ये फोन लगा के बैठी है, ठीक है, और फोन लगा के बैठी है तो ये टॉपिक भी पता नहीं कहाँ से ले आया आउट ऑफ नहीं। अगर लेकिन टॉपिक में देख, मुझे जनरली तू जाता हुआ दिखाना तो मुझे लगा यार मोटा कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। नो डाउट मैं भी हो रही हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा लग रहा था कि वही बात है, अपनी थाली किसी को नहीं दिखती, दूसरों की थाली दिखती है। ठीक है, जो तूने कहा कि हम ये सब भी ठेला दिखा और अपनी थाली को नहीं दिखती, अरे चुप यार मैं डेटा भूल जाऊँगी। तो क्या होता है ना कि आप जैसे मीटिंग्स होती हैं और इवेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट में, तो वहाँ पे आप ना हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सकते हो, ना कि ये हम लोग जनरली क्या होता है, आलू पराठा, पूड़ी, छोले भटूरे, ये सब अवेलेबल होता है ना, इसकी इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिशियस डाइट से, लो सोडियम एंड सॉल्ट ऑप्शन से, एंड लो कैलोरी बेवरेजेस से। सेकेंड हम क्या है, लंच एंड लर्न सेशंस रख सकते हैं कि आप लंच में क्या क्या खा सकते हो, कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशंस दे सकते हैं, जिससे कि न्यूट्रिशन जो है ना मतलब सबके फ्रंट फेस पे और सेंटर में मतलब एक सोचने का टॉपिक बन जाएगा, जिसके लिए जनरली लोग सोचते नहीं है। आज एक ज्ञान नहीं होने की आई हुई लेकिन ये फैक्ट है, चैलेंज तो है, चैलेंज है, दैट इज एक न्यूट्रिशियस बैलेंस और हेल्दी डाइट प्लान करना एक चैलेंज है। वो प्लान करना चैलेंज भी क्यों है, बिकॉज ना यार टाइम ही नहीं है ये मतलब सोचने के लिए, मतलब इतने दिन से हम ये सोचते रहते हैं यार खा लेंगे पी लेंगे, टाइम का इशू नहीं है, टाइम क्या लगता है बस, और मेरे ख्याल से एक हेल्दी फूड बनाने में उससे ज्यादा उससे कम टाइम लगता है, बट द पॉइंट इज कि हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, पता ही नहीं होता क्या बनाएं, ऑप्शंस नहीं होते हमारे यहाँ पे, यही होता है जैसे संडे है तो आलू पराठा बना लो यार। तो इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ईट रेगुलरली,
और न्यूट्रिशियस डाइट पे मतलब फोकस रहना पड़ेगा, हम स्विच ना कर जाए। हमारे साथ क्या होता है, हम भी ऐसे ही प्लान करते हैं आज पूरा हेल्दी खाएंगे, नेक्स्ट डे कुछ दिखा चल यार ट्राई कर लेते हैं। कल रात के छोले भटूरे, हाँ कल रात के छोले भटूरे, जनरली हम गए फ्रूट्स लेने और वहाँ पे छोले भटूरे दिखे तो हमने वही ले लिए। चलो मिलते हैं फिर कभी। ये तो इसने कॉफी का मजा तो खराब कर दिया, तो कॉफी का मजा आ गया, बल्कि कॉफी पे चर्चा हो गई यार। ठीक है, अगली बार मिलते हैं, देखते हैं कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं। आई गेस हम दोनों साथ में काफ़ी दिन बाद बैठे हैं, हाँ। हम अपनी लाइफ बिजी हो रखे हैं यार, टाइम ही नहीं मिलता ऑफिस के बाद सारा दिन ना, तो चलता रहता है। इसे बोलने दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपकी भी लाइफ का कोई ऐसा इशू है तो शेयर करो। ओके, टाटा बाय।